आज की मेरी रेसिपी है रक्षाबंधन स्पेशल त्योहार की थाली, जैन थाली। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। थाली में सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ मीठा, चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट के लिए दूध को और उबालना है। मैंने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे। ये 1/4 कप चावल है। दूध में चावल को हमें तब तक पकाना है जब तक कि चावल अच्छी तरह से पक ना जाए। हमारे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। साथ ही हम डालेंगे 8-10 केसर के थ्रेड्स। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप शक्कर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम खीर को लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। पाँच से सात मिनट के बाद हमारी खीर गाढ़ी भी हो गई है और केसर का अच्छा कलर भी आ गया है। अब हमने एक पैन लिया है जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी। घी को हम गरम कर लेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे बारीक कटे हुए। मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। किशमिश मैंने साबुत डाली है। ड्राई फ्रूट्स को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स अब हम खीर में डालेंगे और खीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दी है। अब हम खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और उसके बाद 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। खीर हमारी तैयार है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून हींग डालेंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई भिंडी डाल देंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि भिंडी सॉफ्ट ना हो जाए। भिंडी को आप ढककर कुक ना करें वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और लो फ्लेम पर ही कुक करना है। भिंडी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक के मसाले अपना तेल ना छोड़ दें। भिंडी हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया खाने की फ्रेशनेस को और बढ़ा देता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। हमारी भिंडी की सब्जी भी तैयार है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है पनीर बटर मसाला। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हाइब्रिड मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च और सोख किए हुए काजू, मगज और खसखस। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून काजू, 1 टीस्पून मगज और 1 टीस्पून खसखस लिए हैं। अब हम इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल के गरम होने पर हम यहाँ पर साबुत गरम मसाले डालेंगे, तेजपान पत्ता, ब्लैक कार्डमम और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो डाल देंगे।
और इसे कम से कम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। ग्रेवी ने अपना तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे ढककर कम से कम 5-7 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक मसाले अपना तेल ना छोड़ दें। मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने 1/2 कप पानी डाला है। अब इसे ढककर एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर 1 टीस्पून, ग्रेटेड पनीर और पनीर के क्यूब्स। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे और ढककर 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर घर की मलाई यूज़ की है। अगर आप बटर खाते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून बटर भी डाल सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारी पनीर की सब्जी भी तैयार है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है जैन दाल तड़का। दाल तड़के के लिए मैंने मसूर की दाल को आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो लिया था। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप मसूर दाल ली है और इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी होने तक कुक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हींग। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 8-10 कड़ी पत्ते, और एक मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले ना। मसाले डालकर हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ ही में मैं डाल दूंगी दाल। दाल को हम ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जब तक कि दाल में उबाल ना आ जाए। दाल में उबाल आ गया है। एक बार फिर से इसे स्टर करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन जिसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 4-5 कड़ी पत्ते, थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इस तड़के को हम दाल में डालेंगे। आप चाहे तो सर्विंग के टाइम पे भी ये तड़का डाल सकते हैं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है।
हमारी नेक्स्ट रेसिपी है जीरा राइस। जीरा राइस के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी के गर्म होने पर हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बासमती राइस। आप कोई भी राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चावल को 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक बार सारी चीजें मिक्स कर लेंगे और दुगना पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है और थोड़ा सा नमक। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। हमारे जीरा राइस तैयार है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है खीरे का रायता। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। क्योंकि मैं यहाँ पर खीरे का रायता बना रही हूँ तो पानी यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। दही को एक बार फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काला नमक भी स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून जीरा, भुने जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून शक्कर। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खीरा कद्दूकस किया हुआ। खीरे में ऑलरेडी बहुत पानी होता है तो आप उसके पानी को वेस्ट मत करिए, वो आप दही में डालिए तो दही में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर मैंने डाली है 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून हींग, 8-10 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हल्दी। तड़के को हम रायते में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रायता हमारा तैयार है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है टमाटो चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने एक जार में यहाँ पर लिया है 1 देसी टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 बंच धनिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक और 1 टीस्पून जीरा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मूंग दाल की मंगोड़ी। मंगोड़ी बनाने के लिए मैंने दाल को अच्छी तरह से धोकर कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब दाल को हम एक जार में डालेंगे। साथ ही में मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे पीस लेंगे। हमें इसे महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल मैंने यहाँ पर मीडियम हॉट गरम किया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मंगोड़ी हमारी रेडी है। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है पूड़ी। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप मोटा आटा, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे जो रोटी के डो से थोड़ा सा कड़ा होगा। मोटा आटा डालने से आपकी जो पूड़ी है वो बिल्कुल ऑयल फ्री बनेगी, तो इसे थोड़ा सा ज़रूर डालें। इसकी जगह आप थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटा हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नीट करना है। अब
अब हम इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे। कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए डो में। डो हमारा रेडी है, अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेके पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट किया है। और ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें एक एक कर पूड़ियाँ तलेंगे। पूड़ी हमारी रेडी है, अब हम खाने को सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सर्व की है दाल और उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगाया है, पनीर की सब्जी, खीरा, खीर, चावल, भिंडी की सब्जी, हमारी मंगोड़ी, सलाद, पापड़। मैंने यहाँ फ्राई पापड़ लिए हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्च स्प्रिंकल किया है और लास्ट में पूड़ी। यहाँ पर मैंने बहुत ही क्विक और इजी रेसिपीज आपसे शेयर की हैं जिसे आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें।